हमारे धर्म ग्रंथ में या सभी जगह ऐसा बोला जाता है कि दान करो, देते जाओ, जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपको मिलता जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि जब आप दान देते हो तो दाहिने हाथ से दान देते हो तो बाएं हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। मगर हम दान देते कैसा है, स्मशान घाट में दान देते हैं, कोई बेंच तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि फलाने फलाने व्यक्ति की स्मृति में, या कोई धर्मशाला में पंखा देते तो वहाँ लिखा है अमके के स्मृति में, इस तरह का दान देते हैं। राजा हरिश्चंद्र के बारे में एक स्टोरी है, आपको बताता हूँ। जब राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर थे, बहुत दान दिया करते थे, जब वो दान देते थे और दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते थे तो उनकी नज़र नीचे झुक जाती थी, तो लोग बोलते थे कैसा दानवीर है, किस तरह का दान करता है भाई, जब दान देता है तो उसकी नज़र झुक जाती है। नज़र क्यों झुक जाती है, क्या कोई चोरी चपाटी का है क्या, नज़र क्यों झुकाता है। जब ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी को मालूम पड़ी, उनके तक पहुंच गई, तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को एक खत लिखकर कुछ पंक्तियां भेजी। पंक्तियां इस प्रकार है, ऐसी देनी देन तू कित सीखे हो सेन, ऐसी देनी देन तू कित सीखे हो सेन, जो जो ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। भाई आपके हाथ ऊपर उठते हैं, जितने ज़्यादा हाथ ऊपर उठते हैं दान देने के लिए, उतनी नज़र क्यों आपकी झुक जाती है, ये तो अद्भुत बात है, आपकी नज़र तो ऊपर उठना चाहिए। तो उसके ऊपर राजा हरिश्चंद्र ने जो जो जवाब दिया वो बहुत ही चौंकाने वाला था, वो जवाब आप सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने लिखा, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। देने वाला तो परमात्मा है, देने वाला हम थोड़ी है, लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ। देने वाला तो परमात्मा है, लोग समझते हैं मैं दे रहा हूँ, लोग समझते हैं कि राजा दे रहा है, असलियत तो वो दे रहा है। तो ये समझकर कि लोग ऐसा गलत समझ रहे कि मैं दे रहा हूँ, ये समझकर मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं नहीं दे रहा हूँ और लोगों का भ्रम है कि मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए मुझे शर्म आती है कि लोग गलत समझ रहे हैं। आपको हरदम देना है, आपने ये देखना है कि भाई आप दे कब सकते हो, आप जब तभी दे सकते हो जो आपके पास में है, और जो आपके पास में है वही आप दे सकते हो। आपके पास में प्यार है, आप प्यार दे सकते हो, आप खुद कर प्यार करते हो, खुद पर प्यार आपका है, आप लोगों को प्यार दे सकोगे। आपके पास में गुलाब का फूल है तो आप फूल दे सकोगे, आपके पास में टाइम है तो आप टाइम दे सकोगे, आपके पास में कुछ ज्ञान है तो ज्ञान दीजिएगा, आपके पास में पैसा है तो पैसा दीजिएगा। सवाल यह है कि आपको दिया पहले है, ऊपर वाले ने आपको दिया पहले है कि आपने दिया पहले है, आपने तो पहले दिया नहीं, आपके पास में जब आया तभी आपने दिया है, तो फिर घमंड किस बात का है। तो हमेशा ये ख्याल में रखो कि आपको किसने तभी दिया है तभी आप लोगों को दे रहे हैं, तो नम्रता से विनम्रता से देना है, उसका बहुत बैंड बाजा करा के बहुत बड़ा बड़प्पन बता के देना नहीं है, उसमें आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, और उसमें ही आपका भला है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।